श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ जो बाउंसर फेंकी है उसमें उसने बहुत ही साफ तौर पर एक तरह से चेतावनी दे दी है कि या तो आप हमारा हाईग्रेड मॉडल को मान लो एशिया कप के लिए, अगर नहीं मानोगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और परिणाम क्या है, जुलाई में एक सीरीज होने वाली है श्रीलंका और पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी और पीसीबी ने अभी से उन्हें आग दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल नहीं माना हमारा तो हम भी श्रीलंका नहीं जाएंगे। इसके बाद वार्निंग दे दिया नजम सेठी ने, कहा भैया अगर आप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे आप चाहते कि पूरा का पूरा एशिया कप करवाएंगे तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं होने वाला, तब तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आप हमसे होस्टिंग राइट्स छीनेंगे और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है और जो बयानबाजी हुआ है वो अपना हक के लिए मांग रहा है और अपना हक तो भाई को छीन नहीं सकता ना आपका। तो हुआ कुछ यूं ही कि जो हाइब्रिड मॉडल दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उसको श्रीलंका बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बोला है कि जो शुरुआती के चार मुकाबले आप पाकिस्तान में कराना चाह रहे हैं आप करवा दीजिए, हम हामी भर दे रहे हैं। सामनेक्रम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप के मामलात अब आगे वर्ल्ड कप तक पहुंच चुके हैं और गुज़श्ता रात पाकिस्तान को एक नई कामयाबी हासिल हुई है जिसमें उसने श्रीलंका और बांग्लादेश को ये कन्विंस कर लिया है कि वो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करे। और उसके लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ जतन किए हैं वो आगे चलकर आपको भारत के मीडिया की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह जब आंखें दिखाई गईं तो मामलात भी बन पड़े। भारत ने अपने तई बड़ी कोशिश की कि किसी तरह श्रीलंका और बांग्लादेश को पैसों का लालच देकर इस बात पर कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करना। और पहले जो बांग्लादेशी बोर्ड की तरफ से बयान आया था कि यूएई में पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल तजवीज कर रहा है वो ज्यादा गर्मी की वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते और ये सब कुछ भारत ने उसे कहा था। हालांकि भारत का आईपीएल भी ठीक सितंबर के महीने में यूएई में हुआ था, जबकि इसके अलावा श्रीलंका ने पाकिस्तान की श्रीलंका के मैदानों में हाइब्रिड मॉडल की जो तजवीज उसमें गेटवे मनी को भी श्रीलंकन बोर्ड को देने का कहा था, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब मुतालबा था, जिस पर पाकिस्तान ने फिर एक ऐसा काम किया जो शायद श्रीलंकन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को ये धमकी दे डाली कि जून के महीने में जो पाकिस्तान श्रीलंका वनडे और टेस्ट सीरीज है अगर पाकिस्तान की बात या हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया जाता तो पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपनी टीम श्रीलंका नहीं भेजेगा। अब उस सीरीज से श्रीलंका को एक बड़े रेवेन्यू की उम्मीद लगी बैठी थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया और ये मैसेज कन्वे किया तो फिर बाकायदा तौर पर श्रीलंका भी वापस अपनी जगह पर आ गया, जो भारत के उकसाने और चंद डॉलरों के इवज पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता नजर आ रहा था। अभी सारे मामले में आगे चलकर आपको बताते हैं कि भारत का मीडिया किस तरह से पाकिस्तान की बड़ी जीत करार दे रहा है और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने क्या बातें ऐसी की हैं जिससे वो अपनी जगह पर वापस आया है, वही सब कुछ आपको भारतीय मीडिया की सुबह सुनाते हैं। नरम सेठी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने अपना बाया पांव को ज्यादा ही बाहर निकाल लिया है और फ्रंट फुट पर जाकर एक लंबा स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया। अब वो लपका जाता है या नहीं लपका जाता या वक्त बताएगा आईपीएल के बाद, जब बीसीसीआई सक्रिय होगा, आईसीसी सक्रिय होगा और वेन्यूज को लेकर जब बात होगी, हाइब्रिड को लेकर बात होगी, हाइब्रिड मॉडल जो है पीसीबी का, और उसके बाद जो हमें डर लगता था वहां जाने में तो उन्होंने कहा हमें भी डर लगता है भारत आने में, सुरक्षा कारण और ये सारी चीजों पर उसने पांव अपने ज्यादा ही उन्होंने खोल रखे थे। लेकिन अब जो दूसरी स्थिति जो इसमें पैदा हुई है वो अब ये है कि उसने अब ऐसा लगने लगा है जो आज का डेवलपमेंट है आज और कल का वो ये है कि अब वो उसने उन्होंने जो है बाउंसर फेंकी है, एक बाउंसर बीसीसीआई की तरफ, एक बाउंसर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ जो बाउंसर फेंकी है उसमें उसने बहुत ही साफ तौर पर एक तरह से चेतावनी दे दी है कि या तो आप हमारा हाइब्रिड मॉडल को मान लो एशिया कप के लिए, अगर नहीं मानोगे तो फिर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और परिणाम क्या है, वो ये कि जुलाई में जो है सीरीज होने वाली है श्रीलंका से, जुलाई में एक सीरीज होने वाली है श्रीलंका और पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी और पीसीबी ने अभी से उन्हें आग दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल नहीं माना हमारा तो हम भी श्रीलंका नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब श्रीलंका के लिए ये धमकी नहीं है, बहुत बड़ी जो जिसे कहते हैं हाथ में पैसा आता हुआ अगर आपको दिखे और अचानक पता चले कि पैसा कहीं और जाता हुआ दिख रहा है या वो हाथ में नहीं आने वाला तो कोई भी चिंतित होना किसी का भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है इस समय श्रीलंका, श्रीलंका क्रिकेट, श्रीलंका में सब कुछ। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे बहुत उम्मीद थी कि यहां अगर पाकिस्तान की टीम आती है तो निश्चित तौर पर उसे अच्छा खासा मुनाफा होगा, अच्छा खासा फायदा होगा। और वो तो ये भी उम्मीद पालकर रख रहा था कि अगर एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल लागू किया जाता है और उसमें भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए जाते हैं या पूरा टूर्नामेंट ही श्रीलंका में हो जाए तो उस स्थिति में भी श्रीलंका को जो है अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद जग रही थी। इसीलिए उसने शायद एक बड़ा बेतुका सा लॉजिक भी रख दिया था कि हमें रेवेन्यू मॉडल का ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, यानी रेवेन्यू मॉडल का जो गेट मनी है, गेट मनी उसको मिले। हालांकि रेवेन्यू मॉडल तो नहीं मिल सकता क्योंकि पीसीबी के पास इसके राइट्स है एशिया कप के। आपको बता दें कि नजम सेठी ने उस दिन पहले ही भारतीय चैनलों को उन्होंने काफी ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे और सब कहने लगे कि भैया ये एसीसी से बात नहीं कर रहा है, जयशाह से बात नहीं कर रहा है, न्यूज चैनलों पे आके बयानबाजी कर रहा है, इससे थोड़ी हल कुछ निकलेगा। लेकिन इससे सॉल्यूशन निकला है और बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकला है। आपको बता दें कि न्यूज चैनलों पे इंटरव्यू देने से पहले नजम सेठी यूएई गए थे, वहां पे एसीसी के प्रेसिडेंट से तो मुलाकात नहीं हुई जो कि जयशाह है, वहां के एसीसी के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई जिनका नाम पंकज किमजी कुछ ऐसे करके है उनका नाम,
उनसे बातचीत हुई तो बातचीत का कुछ हल नहीं निकला, समस्या नहीं निकला। इसके बाद वार्निंग दे दिया नजम सेठी ने, कहा भैया अगर आप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे आप चाहते कि पूरा का पूरा एशिया कप करवाएंगे तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं होने वाला, तब तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आप हमसे होस्टिंग राइट्स छीनेंगे और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जैसे ही नजम सेठी ने यह बयानबाजी किया था, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार इसकी इतनी औकात, पाकिस्तान की इतनी औकात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कब से उछलने लगा। भाई हक की बात है, वो अपना हक मांग रहा है। उसी जगह पर अगर हमारी टीम इंडिया होती, हमारी बीसीसीआई होती, हम तो बोलते एसीसी को आग लगा के रख दो, ऐसी ऐसी होने लगती है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है और जो बयानबाजी हुआ है वो अपना हक के लिए मांग रहा है, और अपना हक तो भाई को छीन नहीं सकता ना आपका, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले चश्मे से अगर आप इतर आप देखेंगे तो आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और लगेगा कि नहीं तर्क वाली बात लड़का कर रहा है। तो हुआ कुछ यूं ही कि जो हाइब्रिड मॉडल दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उसको श्रीलंका बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बोला है कि जो शुरुआती के चार मुकाबले आप पाकिस्तान में कराना चाह रहे हैं आप करवा दीजिए, हम हामी भर दे रहे हैं। और जो न्यूट्रल जो एक उसके बाद जो फेज टू आएगा वो फेज टू बस यूएई में मत कराओ, बाद में आप कहीं भी करवा लो। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये भी दोनों जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा समर्थन दे रहा है। इससे पहले श्रीलंका बोर्ड पूरा का पूरा बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहा था और बीसीसीआई के आगे पीछे था, क्योंकि इस समय श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो फाइनेंशियल इशू से काफी ज्यादा जूझ रहा है। तो ऐसे में लगा भाई इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो हम तो गए। लेकिन थोड़ा सा ना बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है श्रीलंका बोर्ड में भी, उन्होंने भी खिलाफ जाके उन्होंने बोला कि देखिए इनका जो मांग है वो जायज है, ये जायज मांग कर रहा है अपना, ऐसा नहीं है कि रंगदारी कर रहा हो या फिर दादागिरी दिखा रहा हो, सही जायज इनकी मांग है। तो अब ये खबर आ रही है कि जो न्यूट्रल जो वेन्यू खोजा जा रहा है वो हो सकता है